ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को 6 जून यानी रविवार सुबह सांस लेने में दिक्कत के चलते मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी और बीते जमाने की एक्ट्रेस सायरा बानो ने दिलीप साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए दी। फिलहाल दिलीप डॉक्टरों की निगरानी में है और उनकी हालात को अस्पताल में मॉनिटर किया जा रहा है। 98 साल के दिलीप साहब अपनी बढ़ती उम्र के चलते ज्यादातर बीमार ही रहते हैं, लेकिन जब जब उनकी तबीयत खराब होती है तब तब उनके फैंस भी परेशान हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर दिलीप साहब आज भी अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। दिलीप साहब के बारे में सुनकर उनसे मिलने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी पहुंच गए। सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल के बाहर ली गई उनकी कुछ फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। दिलीप साहब से मिलने की बात शरद पवार ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से साझा की। ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि हिंदुजा हॉस्पिटल में वो दिलीप कुमार से मिलने उनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने ये प्रार्थना भी की कि दिलीप कुमार जी जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। दिलीप साहब के बारे में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस सायरा बानो ने हमसे बात करते हुए बताया कि दिलीप साहब की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी तो खार हिंदुजा हॉस्पिटल में हमने चेक इन किया। यहाँ हम चेकअप और इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं कि आखिर उनकी तबीयत क्यों खराब हुई। पिछले कुछ समय से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये नॉन कोविड प्लेस है, उन्हें कोविड नहीं है। जैसे ही सब कुछ पता चलता है तो हम घर पर वापसी करेंगे। डॉक्टर नितिन गोखले की निगरानी में एक पूरी हेल्थ केयर टीम लगी हुई है। उन्होंने अपने चाहने वालों से यह भी अपील की कि दिलीप साहब जी के लिए वो दुआएं करें। साथ ही उन्होंने बताया कि हम दोनों ने कोविड की वैक्सीन भी ले ली है। आपको बता दें कि सायरा बानो ही है जो दिलीप साहब का बहुत ख्याल रखती हैं। अक्सर जब भी दिलीप साहब अस्पताल जाते हैं तो सायरा उनके साथ हमेशा होती हैं। बता दें कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ मार्च साल 2020 से क्वारंटीन में हैं और कोरोना के चलते वे किसी से मिल भी नहीं रहे हैं। वहीं तबीयत खराब रहने की वजह से दिलीप साहब काफी कमजोर भी हो गए हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी पर भी फर्क पड़ा है। अक्सर सायरा बानो फैन से दिलीप साहब की सेहत के लिए दुआ करने के लिए भी कहती हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने भी दिलीप कुमार को हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस दौरान वो अपना रूटीन चेकअप के लिए गए थे। हालांकि रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया था, लेकिन इस बार मामला कुछ गंभीर नजर आ रहा है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि दिलीप अब 98 साल के हो चुके हैं और उनका ऐसे बीमार पड़ जाना किसी के लिए भी चिंता का विषय है। दशकों पहले जो सफर उन्होंने बॉलीवुड में शुरू किया था और उसके बाद जो उन्होंने नाम कमाया, उससे उनके हजारों लाखों चाहने वाले बन गए। यही वजह है कि जब जब भी उनकी सेहत बिगड़ती है तब उनके फैंस काफी परेशान हो जाते हैं। फिलहाल अपने चहेते एक्टर के लिए उनके चाहने वालों ने दुआ करनी शुरू कर दी है और हम भी यही दुआ करेंगे कि दिलीप साहब जल्द ही ठीक होकर वापस अपने घर लौटें। न्यूज़ तक ब्यूरो।